डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ कितनी यहां पे -25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है -25 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस से 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ 20, ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज फॉल्स ऑन द डाइवर्जिंग लेंस, द फाइनल इमेज फॉर्मड इज, फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, सुन अब, यहां पे मैंने क्या बोला, एक तो डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी यहां पे -25 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग, इसकी फोकल लेंथ कितनी बताइए, कन्वर्जिंग लेंस है फोकल लेंथ कितनी यहां पे 20 सेंटीमीटर है इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, इनके पीछे गैप दे रखा है क्या 15, इनके पीछे गैप कितना दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ -25, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इनके पीछे गैप है 15 सेंटीमीटर, ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल्स ऑन द डाइवर्जिंग लेंस, एक बीम ऑफ पैरेलल लाइट पड़ती है इसके ऊपर, डाइवर्जिंग के ऊपर पड़ती है, ऐसे इन्फिनिटी से आती है, पैरेलल क्या, पैरेलल लाइट का मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, पैरेलल लाइट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर बनती है, ब्रह्मास्त्र ध्यान है आपको, किधर फोकस पे, कौन से वाले फोकस पे, इधर की तरफ, समझ आ रही बात आपको, यहाँ पे लाइट रेज ऐसे जाएगी और ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है लाइट रेज, ऐसे जाएंगी लाइट रेज, पर इस पर तो पड़ेंगी, इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनेगी इमेज इसके, इसमें ये डिस्टेंस कितनी है इसकी 25 है, इसका भ्रमास्त्र ये ओपन ही पड़ा है, किसका था ये, किसका भ्रमास्त्र था बताना था, कॉनकेव का, ये रहा कॉनकेव, कॉनकेव में ये कॉनकेव था, ये रहा ऑब्जेक्ट कहाँ था इसके अंदर, इन्फिनिटी पे, इमेज यहाँ बनी थी वाली, कहाँ पे फोकस पे, यहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पर बनी है इसमें फोकस पे बनेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ओ चल के आएगा तो इमेज एफ से ओ चल के आएगी इसमें, ठीक है जी, इसमें देखिए आप, इसमें जो है ना यहाँ पर, अब ये पता है क्या, हम ये इसके सामने है, लेकिन लाइट रेज ऐसे जाएगी लेकिन पड़ती हुई तो इसके ऊपर नजर आएगी ना, मतलब ऐसा तो लगेगा ना जैसे कि भाई यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये यहाँ से आएगी, वैसे तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लेके चलोगे आप, 40, 15 ये, 25 ये, तो इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट को 40 पे, इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया रियल, और कितने पे हो गया वो 40 पे, समझ आ रही बात आपको, तो माइनस का 1 बाय में -40, प्लस का 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय में 20, 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय 20, ये माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा माइनस का 1 बाय 40 एलसीएम ले लिया आपने, 2 माइनस 1 बाय 40, वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे प्लस 40, वी की वैल्यू प्लस 40 आएगी, 40 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, ठीक है ना, तो बोला गया इसने फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा इसकी 40 पे बनेगी, पहली बात तो ये तो गलत है, ये वाला तो आंसर गलत ही हो गया, ठीक है ना, कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग, ये भी डाइवर्ज, ये कह रहे डाइवर्जेंट से 40 पे, नहीं कन्वर्जेंट से 40 पे आएगी, ये भी गलत है, बी आंसर द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जेंट लेंस, ऐसा कैसे हो सकता है यार, रियल बनेगी और 40 सेंटी कन्वर्ज, ये आएगा इसका आंसर, ये भी गलत है, इसको नेट पे भी सर्च कर सकते करके देख सकते हो आप, यही आएगा ना, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डी, डी आंसर इसका,